हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। ये बन रही है तोरी की सब्जी ब्रेकफास्ट के लिए। और मौसम आजकल बारिश भी हो रही है, और जब बारिश नहीं होती है तो तेज़ धूप होती है, उस वजह से मतलब गर्मी होती है चिपचिपी वाली, मतलब बड़ी बेकार सी कि घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन ना करे। हाँ, जब बारिश होती है तब तो मौसम एकदम सुहावना होता है, ठंडक का एहसास। ये तवे के ऊपर देखिए, पलटा इसो, पनीर को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई किया जा रहा है। बन रहा है, देखो आज क्या बन रहा है। ये बन रहा है शिमला मिर्ची, और मतलब क्या कौन सा बोलते हैं इसको, ये कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर। बड़े बड़े प्याज डाल लेना है इसमें, ये देखिए इस तरह के, और साथ में शिमला मिर्च। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको क्यों ऐसा इस तरह से बन रहा है आज, ये मतलब ऐसे बनाया जा रहा है आज, क्योंकि मैंने पहले मटर तीन चार दुकानों में दे रही, एक दुकान थी उससे पूछा मैंने, कह रहे मटर आधा किलो डाल, तो उसने कहा 180 रुपए किलो है। मैंने कहा भाई 180 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, ऐसा नहीं है। अच्छा, तब तो एक ही बात थी फिर, तब भी ना शिमला मिर्च ठीक रहती है। अच्छा, इनको वैसे भी मटर नहीं खाने थे ना, हैं? हाँ, क्यों? यारा तो हो जाती है ना प्रॉब्लम, बैल लेते हैं ज़्यादा होना। हाँ, शिमला मिर्च नहीं होती है। तो ऐसा है, और ये देखिए फिर ये शिमला मिर्च थोड़ा सा चलाओगे आप इसको? चला रहे हैं ये। अभी और काट रहे हैं, बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में बनाया जा रहा है, मोगी मोगी करके देखिए। ये देखिए यहाँ पे और काट रहे हैं, एक्चुअली ये सलाद इतना ना बहुत ही, देखो तो फिर मैं थोड़ा हाइड कर रही थी, समझ रहे हो ना आप? पर गंद पड़ने के बाद ना जनाब उसको समेटना पड़ता है, बाकी तो सब ठीक है। ओके मैडम, ओके। तो ऐसा ऐसा है, सब्जियाँ हो रही हैं आजकल बहुत ही महंगी, मटर मतलब काफ़ी महंगे हो गए हैं। वैसे तो बरसात में हर साल ही ऐसा होता है, क्योंकि पीछे से भी सप्लाई कम आती है ना, और फिर आउट ऑफ सीज़न हो जाते हैं ये सब चीज़ें, तो उस वजह से भी, और बारिश की वजह से तो आपको पता ही है थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है। बाकी फिर ये शिमला मिर्च के साथ हमने बनाया पनीर, और बहुत ही टेस्टी भी बना था। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मटर पनीर ही टेस्टी होता है, ये भी बहुत अच्छा बनता है अगर आप ढंग से बनाएं तो। थोड़ा सा अगर चाइनीज़ टच दें इसमें, जैसे सॉसेस डाल देना इसमें, सोया सॉस, फिर वो रेड वाली मीठी वाली सॉस, तो मतलब अलग सा वो उस तरह का टेस्ट भी आ जाता है। ऐसा ऐसा है। बाकी एक दो दिन से मैं ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही थी, एक्चुअली हम कहीं थोड़ा सा बिज़ी थे। अब क्या ही बताऊँ, एक्चुअली हर कोई, देखो जैसे मैं अपनी लाइफ आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, तो एक्चुअली हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, बट मैं सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, और फिर उसी के चलते हम थोड़ा सा बिज़ी थे। एंड फिर ये देखिए यहाँ पे हो रही थी साफ़ सफाई, आज सुबह सुबह ही उठते ही आज हम इस साफ़ सफाई में लग गए। एक्चुअली हुआ यूँ कि मिट्टू और शानवी के रूम में उनको चींटियाँ दिख रही थी। ये लोग क्या करते हैं ना कि चीज़ियाँ लेकर के आ जाते हैं खाने पीने के लिए ना शॉप पे सामने, फिर खाएंगे पिएंगे कुछ भी, आजकल आपको पता ही है थोड़ा सा भी नीचे गिर जाए ना। देखते हो कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत ही ज़ोरों से, ठीक है। और मौसम देख लो कि ऐसा लग रहा है कि बरसात, फुल बरसात है, भगवान फुल मूड पे है बरसात के। ये देखो अंधेरा है, अंधेरा है, तूफान ये सामने देख सकते हो आप, मतलब कि राहत मिल गई, ठंड से राहत मिल गई, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा, मैं भीग गया। ये देखो नाले का पानी कितने ज़ोरों से जा रहा है, ये देखो, वो देखो, वहाँ वहाँ, यहाँ बुरी हालत है यार। बारिश हो जाती है ना तो उसके बाद मौसम एकदम से ठंडा सा हो जाता है, मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं रहती, तो मौसम तो एकदम सुहावना हो गया था। बारिश खूब हुई थोड़ी देर, तो दो तीन दिन से मतलब बारिश हो ही रही है, उस वजह से मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है। बाकी अभी ये बन रही थी आलू की सब्जी। एक्चुअली एक दो दिन से मैंने ब्लॉग भी आपके साथ शेयर नहीं किए थे ना, तो जो भी मेरे पास क्लिप्स थे वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे साफ़ सफ़ाई की थी, उसके बाद फिर ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी रोटी के साथ, और साथ में ये मैंने बादाम और
अखरोट डाले हुए थे भिगोने के लिए ना, तो ऐसे बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका हलवा ही बना दिया जाए, तो सब ही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस मैं इनको छील रही थी तभी को फिर अचानक से लाइट चली गई। फिर लाइट मतलब हमारा जो किचन है ना तो सामने से नहीं पड़ती उसमें लाइट, तो थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है उधर। तो फिर मैं फ़ोन की जो लाइट, और ऊपर से मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला बना हुआ था ना, तो फिर बाकी ये आलू की सब्ज़ी बन रही थी उसमें जैसे प्याज और आलू थोड़े से पके ना, हल्के पके ऑयल में, उसके बाद इसमें फिर ये मसाले डाले। आलू अगर थोड़े से हल्के ऑयल में पक जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा कसैला सा टेस्ट आता है। और आजकल तो पहाड़ी आलू आ रहे हैं ना शॉप में, तो उनके साथ भी जैसे कोई हरा है तो तब भी थोड़ा अलग सा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर इस तरह से आप पकाते हो तो अच्छी बनती है सब्ज़ी और टेस्टी भी होती है। हाँ, परांठे बहुत अच्छे लगते हैं इनके, पहाड़ी आलू जो होते हैं ना, एक मतलब थोड़ा रेशेदार से होते हैं एकदम, मतलब जैसे आप आटा गूंथते हो ना वो लगता है चिपकने आपके हाथ के साथ, तो वैसे आलू के परांठे जब बनाने लगते हैं इन पहाड़ी आलुओं के तो वो भी सारे चिपकने से लगते हैं हाथ के साथ, तो बड़े टेस्टी बनते हैं उनके परांठे। बाकी टमाटर फिर उसमें ऐड किया, और लाइट चली गई थी तो मैं ये जो छिले थे ना और ड्राई फ्रूट, तो ये ऐसे मैंने सोचा था मिक्सर जार में अच्छे से ब्लेंड करके डालूंगी ना, फिर मैंने ये ऐसे कूट दिए इसमें कुंडी में। और यहाँ पे ये देखिए सूजी जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है, देसी घी में मैंने इसे भुना, और देसी घी भी मैंने खुद से ही तैयार किया था मतलब 2-3 दिनों से, क्योंकि दूध का भी कोई यूज़ हुआ नहीं था तो वो भी मैंने जमने के लिए रख दिया था, और दही और वो सारा मतलब एक मक्खन बना करके फिर घी उसका तैयार किया था। और यहाँ पे फिर जितने भी वो ड्राई फ्रूट थे वो भी ऐड कर दिए इधर, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, और मुझे तो इसी स्टेज पे अच्छा लग रहा था। मैं क्या चीनी डाल करके ना इसको ऐसे ही खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी प्रसाद भी बनाते हैं इस तरह से ना, तो जैसे ड्राई फ्रूट और सूजी को इस तरह से अच्छे से भून के फिर उसमें ऊपर से शक्कर या फिर चीनी कुछ भी ऐड करके, बट हम अभी हलवा बना रहे थे क्योंकि फिर अगर कहीं गलती से भी बच्चों को पसंद ना आया तो फिर उन्होंने खाना नहीं था और मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार चल जानी थी, तो इसलिए फिर मैं हलवे की तरह ही बना रही हूँ। तो ये चीनी डाली मैंने शक्कर के साथ ही, ये लोग पसंद नहीं करते, और आजकल गर्मी भी है ना तो थोड़ा गर्म तासीर की होती है, इस वजह से फिर हम ज़्यादातर चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं। पर मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है अगर मैं चीनी की चीज़ें जैसे चाय खाती हूँ ना तो फिर मैं इंस्टेंटली मोटी होना शुरू हो जाती हूँ, और आजकल वैसे भी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो ही है। चलो कोई नहीं, मेंटेन कर लेंगे उसको तो। और फिर बस ये मैं दूध डाल रही हूँ, मैं क्या थोड़ा हेल्दी होगा, ऐसे पानी डालते हैं हम लोग तो बच्चों के लिए, मैं कभी ऐसे फिर ना उनको आजकल हर चीज़ को ही खाने में, आपको पता है गर्मी के मौसम में दूध से भी उनको थोड़ी सी स्मेल आती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर उसमें अगर ज़्यादा आप ये बॉर्नविटा वगैरह चीज़ें डाल देते तो वो भी फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट चलो बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इस तरह से खीर वगैरह बना करके दूध यूज़ हो जाता है। तो ये फिर मैंने दूध डाला और इसको फिर मतलब अच्छे से सूखने दिया सारा, जैसे ड्राई हो गया। अभी इससे भी ज़्यादा मैं इसको पूरी तरह से, थोड़े से और ड्राई फ्रूट डाले थे जो हम कश्मीर से लेकर के आए थे ना, तो वो वाली है ये, इनका कलर थोड़ा रेडिश सा है, अच्छा लगता है। फिर मैं क्या हलवा बना दिया, अब घी के साथ, घी वाली चीज़ जब भी बनती है तो फिर मैं क्या चाय भी बना ही देते हैं, तो चाय में मैं अगर बनाती हूँ ना तो मसाले डालना पसंद करती हूँ, मसाले जैसे वैसे मसाले नहीं, अजवाइन डालती हूँ, ये मैंने मीठी सौंफ डाली इसमें, और साथ में ये डाली मीठी सौंफ। इससे पहले मैंने क्या डाला, ये मतलब जितने भी मेरे पास मसाले होते हैं ना, हाँ मेथी, ये जो निकल रही है ध्यान नहीं रहा ना मेरे को, तो मेथी आप बोलोगे चाय में, भाई गजब की चाय बनती है मेथी की, आप कभी ट्राई करके देखना, थोड़ा सा भून के उसको पाउडर फॉर्म में रख के सिर्फ मेथी ही डालना थोड़ी सी, और टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है चाय का। और वैसे भी मोटापा जिनको हो रहा हो ऐसे पूरा ब्लोटिंग सा, तो उनको भी सही रहती है। तो चाय भी बनाई, बाकी ये बन रहा है अभी अचार, एक्चुअली थोड़े से आम थे हमारे पास तो उनको सुखा करके हमने तैयार किया था। पहले तो उनको कट करके ना मैंने क्या किया था कि रात भर एक कपड़े में बांध के नमक और हल्दी लगा के उसका जो भी पानी था ना एक्स्ट्रा वो निचोड़ने के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद उसको सुखाया क्योंकि तेज़ धूप थी तो एक धूप से ही काफ़ी सूख गए थे,
फिर ये देखिए ये सरसों का ऑयल एकदम गरम 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 किया, इसमें मेथी डाली और ये फिर लाल मिर्ची, ये देखो मेथी, मेथी बड़ी टेस्टी लगती है जैसे आप गरम गरम ऑयल में डालो ना तो भुन सी जाती है, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी इसका आता है। हमने एक्स्ट्रा में रोस्ट नहीं किया था मसालों को, बस यहीं पे गर्मा गर्म में ही डाल रहे हैं तो ये खुद ब खुद भुन भी जाते हैं और अच्छा फ्लेवर भी निकल जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये मिट्टी सौंफ डाली, मिट्टी सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में, स्पेशली आम के अचार में। तो खैर बहुत ज़्यादा अचार तो नहीं है, है तो थोड़ा सा ही, बट मसाले ये बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में डाल रहे हैं ताकि ये सारे जितने भी पीस हो ना उनके अंदर भर भर के मसाले हो, तो बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट। ये जो अचार वाले मसाले होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, कभी जैसे कोई सब्जी भी खा रहे हो ना तो जस्ट ऑयल वाला ये जो मसाला है, ऑयल भी इसका बड़ा टेस्टी होता है। तो बस ये सारे मसाले इसमें डाल दिए, थोड़ी देर के लिए इनको चला रहे हैं, गैस एकदम अब बंद कर दी क्योंकि फिर नहीं तो जल जाते हैं मसाले। ये तो खाली भी ताकि गर्मा गर्म जैसे डालना था ना, तो ये काली मिर्च डाली थोड़ी सी, आपके ब्लड को प्योरीफाई कर देती है और आम का अचार भी थोड़ा खट्टा होता है ना तो इसलिए मतलब थोड़ा सा स्पाइस तो होने चाहिए। और ये डाली जी अजवाइन, अजवाइन के साथ ही कलौंजी भी डाल ली है इसमें, और कलौंजी से एक तो एक आपका कलर सा आ जाता है ना रेडिश सा, और खाने में भी टेस्टी, अचार में मतलब टेस्टी लगती है। तो ये सब डाला और बाकी इसके साथ ही फिर डाल दिया जो भी आम थे सूखे हुए, तो इनको भी डाल दिया। आजकल अभी आम में ना वो गुठली मतलब सख्त वाली वो अंदर अभी हुई नहीं है तैयार, कुछ कुछ में हो रही थी, फिर बाद में वो गुठली को काटना बड़ा टफ हो जाता है, मतलब फिर एक तो उसको फाड़ने के लिए भी दूसरा वाला औजार चाहिए होता है ना, थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फिर ये अभी डाल दिया। और बस बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया आपको, ज़्यादा नहीं था थोड़ा सा ही था, तो बस काफ़ी है इतना। वैसे भी हम ज़्यादा दिन फिर ज़्यादा दिन स्टोर करते नहीं हैं, फिर ख़राब होने के चांस भी हो जाते हैं ना, और हमें अचार खाने की इतनी आदत है कि जैसे ही अचार डलता है ना बस उसके अगले दिन ही खाना शुरू कर देते हैं, और नया नया होता है ना तो तब तो और भी क्रेज़ होता है और टेस्टी भी लगता है। तो ये किया और बाकी उसको डब्बा डब्बे में बंद करके रख दिया। और यहाँ पे एक्चुअली मैं कपड़े डालने जा रही थी ना सूखने के लिए, तो बरसात है आजकल या तो तूफान भी साथ ही चलता है तो रेलिंग से तो उड़ जाते हैं और या फिर आपको उठाने पड़ जाते हैं अंदर को, अगर तेज़ बारिश है तब भी मतलब गैलरियों में पानी आ जाता है। तो जो हमने ये स्टैंड लिया था ना तो उसका अपर अपर वाला जो पार्ट था ना, शायद मिस्टेक हो गई थी उनको देने में ही कि ये जो फिर इस पे जो हमने कपड़े डालते हैं ना तो ये बिल्कुल एकदम इकट्ठा हो जाता था, मतलब फैलता नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इसके जो छेद है ना इनको काट के मतलब उल्टा कर दूं, फिर आइडिया काम भी कर गया, मैंने वैसे ही किया और यहाँ काटते काटते ना मेरी हाथ में भी कट लग गया था। फिर पतिदेव को भी बोला, फिर दोनों ने मिल के हमने वो काम किया और उसको लगा लिया था, एडजस्ट कर दिया था। बाकी आज बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, सुबह सुबह का ही टाइम है, बाकी फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। नमस्कार।